एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुरभि गुप्ता, योर पीडियाट्रिशियन। आज मैं लेकर के आई हूँ मदर्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। हमारे जो मदर्स हैं, जब उनका बेबी होता है तो जो लेडीज होती है, जो गर्ल्स होती है, वो एकदम चेंज हो जाती हैं, वो मदरहुड में आ जाती हैं। बहुत जितनी केयरिंग थी उससे भी ज़्यादा केयरिंग हो जाती हैं। थोड़ी थोड़ी बात पर बच्चे को लेकर टेंशन ले लेती हैं। और उसमें सबसे कॉमन जो मेरे पास क्वेरीज आते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही मैं बता सकती हूँ कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उनकी टेंशन का कारण, कि हमारा बच्चा गोरा कैसे होगा, ये उनका सबसे मेन रीज़न रहता है। और शुरू के 3 महीने में कलर कुछ डिफरेंट था, फिर चेंज हो गया, इसका क्या कारण है, वापस चेंज होगा नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चंस रहते हैं मदर्स के दिमाग में रहते हैं। तो आज मैं टॉपिक जो डिस्कस करूंगी वो यही है कि बच्चे को गोरा कैसे करना है, हो सकता है, पॉसिबल या नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं आज का यही हमारा टॉपिक। सब्सक्राइब करें मेरे आई केयर माय चाइल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाएं जानने के लिए अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में सबसे पहले। देखिए मदर्स, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो कलर होता है इतना अलग अलग सबका, वो आया कहाँ से, उसका रिलेशन हमारे जो पेरेंट्स हैं उनसे कैसे है। देखिए, डेफिनेटली 100% इट इज ट्रू कि जो कलर होता है, कॉम्प्लेक्शन होता है, ये जेनेटिक होता है। हमारे पेरेंट्स का कलर कैसा था उनसे ही हमें मिलता है, थोड़ा बहुत डार्कर और लाइटर अकॉर्डिंग टू कि हमें कौन से जीन्स मिले हैं। देखिए, फादर के पास भी एक कलर के लिए कई सारे जीन्स हैं, मदर के पास भी कई सारे जीन्स हैं, लेकिन जब वो बच्चे में आते हैं तो पूरे के पूरे नहीं आते, उसमें से कुछ डिवाइड होके कुछ उसका जो फ्रैक्शन है दोनों में से मिलके हमें मिलता है। तो ये डिपेंड करता है कि हमें डार्कर वाले साइड का मिला है या लाइट वाले साइड का मिला है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा कलर डिसाइड होता है। अच्छा, जैसे जो मदर्स हमारी चिंता करती है वो शुरू में ही चिंता करती है, 2 महीने का बच्चा, 3 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा, तो वो कलर है, वो सांवला है, गोरा है। लेकिन हम एकदम 100% आप मुझसे भी पूछेंगे कि डॉक्टर साहब, बच्चे का कलर ऐसा है तो क्या आगे ऐसे ही रहने वाला है, या हम क्या करें जो चेंज हो जाए? तो देखिए, हम डिसाइड नहीं कर सकते। बहुत बार ऐसा देखा गया है जो बच्चे बिल्कुल जन्म पे एकदम फेयर होते हैं, आगे जाकर के थोड़ा सा डार्कर हो जाते हैं, लेकिन उसका रीजन आपको अपनी फैमिली में ही दिख जाएगा। मे बी कि दोनों पेरेंट्स फेयर हों, लेकिन दादी बाबा या नानी नाना के साइड कोई डार्कर कॉम्प्लेक्शन का रहा होगा, थोड़ा सांवला रहा होगा, तो वो जीन्स वहां से भी चले आ रहे हैं, तो हो सकता है वो जीन्स बच्चे को मिल गए हो, इसलिए बच्चा थोड़ा सा डार्कर साइड है। अच्छा, ये सारी चीजें डिस्कस मैं कर रही हूँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मैं बता देना चाहती हूँ, सांवला, विटिश, गेहुआ, गोरा, बहुत गोरा, ये सारे एक रंग के कई सारे डिविजन्स हैं। इसमें से ये हमें राइट किसी ने भी नहीं दिया कि हम ये डिसाइड करें कि जो गोरा है वो अच्छा है, जो सांवला है, काला है, वो खराब है। देखिए, ये जो हमारी सोशल स्टिग्मा होती है, कुछ लोग ऐसा बोल करके चले गए और हम लोग परेशान होते रहते हैं। तो अगर हम पढ़े लिखे हैं, आजकल हम नेट यूज कर रहे हैं, इतने स्मार्ट हो गए हैं, तो ये स्मार्टनेस हमें अपनी इस चीज में भी लानी चाहिए कि इस डिस्क्रिमिनेशन को, इस रेसिज्म या जो कलर डिफ्रेंशिएशन वाला जो चीज चल रहा है, इसको हम खत्म करें। पूरा अफ्रीका है, पूरा जो निग्रोज हैं, इतना बड़ा जो पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन बनाते हैं, वो लोग डार्क कॉम्प्लेक्शन के ही हैं। तो ये सिर्फ एक कलर है, जैसे नॉर्थ है, साउथ है, या फिर नॉर्थ ईस्ट है, वो उधर सारे गोरे हैं, नॉर्थ में मिक्स्ड हैं, साउथ वाले के सारे कलर डार्क हो जाता है। अगर आप यूएस अमेरिका जाते हैं तो वहां सारे लोग फेयर हैं। तो ये जैसा माहौल है, जैसे वहां के पहले वाले लोग रहे हैं, और सूरज की किरणें किस तरह से पड़ रही हैं, गर्मी का मौसम वहां कैसा है, ठंड कैसी है, तो इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो ये हम डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते कि हमारे बच्चे को हमें गोरा ही करना है। देखिए, अगर हमें बच्चे को बनाना है तो हम उसे एक इंटेलिजेंट पर्सन बनाएं, उससे अच्छी एजुकेशन दें, उसे अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाएं, तो जो कलर कॉम्प्लेक्शन है वो कहीं मायने ही नहीं करेगा। हाँ, 4 लोग क्या बातें करते हैं, अगर आप उनकी बातें सुनेंगे तो अपना डिसीजन जो आप अच्छा ले सकते हैं वो कभी नहीं ले पाएंगे। तो इन सारी चीजों को सबसे अच्छे इंपॉर्टेंट दिमाग में बैठा करके रखिए कि हमें अपने बच्चे को बेटर पर्सन बनाना है, एक एजुकेटेड स्ट्रांग पर्सन बनाना है। गोरा और काला वो बर्थ से लेके आया है, उसका जो भी कलर है उसे हमें खुद रिस्पेक्ट देनी है, और बच्चे को खुद अपने कलर के रिस्पेक्ट करना सिखाना है, ताकि जो बच्चा है आगे चल के इंफीरियर ना फील करे। तो
ये सबसे जरूरी है। जो भी है, ही इज वेरी गुड, शी इज वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल। अपना बच्चा सुंदर सबको लगता है और उस बच्चे को खुद ही लगना चाहिए, यस आई एम ब्यूटीफुल और आई एम वेरी ब्यूटीफुल, मुझे किसी से कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। कोई और बोले तो हमें उसे चुप कराना भी आना चाहिए। अच्छा, ये तो एक इमोशनल पार्ट हो गया इस चीज का। अब आते हैं साइंटिफिक रीजन पे। देखिए, बर्थ पे जो बच्चे का कॉम्प्लेक्शन है वो 3 मंथ्स में नो डाउट चेंज होता ही होता है। जो बच्चे की स्किन है वो बहुत डेलिकेट है, बहुत सॉफ्ट है, तो वो पहले की उतरती है, फिर बच्चा जो आसपास के जो एटमॉस्फेयर और एनवायरमेंट है उसके लिए एडजस्ट होता है, तो फर्स्ट 3 मंथ्स में हर बच्चे का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डाउन होता ही होता है। तो उस टाइम टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि ये कलर चेंज कैसे हुआ। 3 मंथ्स के बाद बच्चा वापस ग्लो करता है, ये नॉर्मल स्किन पैटर्न है। अच्छा, अब आप इस टाइम पे क्या कर सकते हैं, बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं कि जो बच्चे की स्किन की ग्लो है, जो रौनक है, वो बनी रहे। बच्चे की स्किन शुरू में बहुत ड्राई रहती है, बहुत ज्यादा मौसम के चेंजेस की वजह से ब्रेक हो जाएगी, क्रैक हो जाएगी, तो उस चीज को हमें बचाना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जब बच्चे को बॉडी मसाज दें, हमेशा जो बच्चे को ऑयल सूट करता है उससे दें। जब भी बच्चे को नहलाएं उसके बाद बच्चे की बॉडी को अच्छे से मॉइस्चराइज करें, खूब भर भर के मॉइस्चराइज करें, ताकि बच्चे की स्किन हाइड्रेटेड रहे। यानी कि जैसे हाइड्रेटेड मतलब पानी की जो पूर्ति है शरीर की वो पूरी होती रहे। अब बच्चा 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पीता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, माँ को खूब अच्छे से दूध पीना है, पानी पीना है। यानी कि जब माँ अच्छे से पानी पिएगी तो माँ के दूध में पानी की मात्रा काफी रहेगी, जो बच्चे को पूरा पानी न्यूट्रिशन जो हाइड्रेशन है वो मिलता रहेगा। तो हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे की स्किन अगर अच्छे से हाइड्रेटेड रहेगी तो ग्लो भी बढ़ता जाएगा, जो उसका रियल कॉम्प्लेक्शन है वो दिखेगा, और जो बच्चा माँ का दूध पी रहा है उसमें भी पोषण अच्छा होगा, तो बच्चे का जो स्किन का कलर है, टेक्सचर है, वो और अच्छा दिखेगा। तो ये चीज हम कर सकते हैं। हाँ, अगर बच्चे का ग्लो बढ़ाना है तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं कि आप जो बच्चे को सूट करता है उसी कंपनी का या घर का बना हुआ ऑयल मॉइस्चराइजर वो यूज करें। आप उपटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये घर की चीजें हैं जो हम लोग रोजमर्रा में देखते हैं कि जब ब्राइड होती है उसको भी शुरू में शादी से कुछ दिन पहले हल्दी, बेसन और उसमें ऑयल मिला करके बच्ची मसाज किया जाता है, तो उसके ग्लो जो है स्किन का वो और उभर के आता है। तो वो चीज हम बच्चे के लिए भी यूज कर सकते हैं, अगर बच्चे को उससे एलर्जी नहीं होती है तो उसमें थोड़ा चंदन मिला लिया, जो पेस्ट उपटन वाला बना रहे हैं, तो ये सब आप करिए। बच्चा 6 महीने का हो गया, उसको ड्राई फ्रूट्स दीजिए। विंटर्स का टाइम है, बच्चे को खीर बनाया, हलवा बनाया, उसमें थोड़ा सा केसर डाल दिया। केसर है, नारियल है, हरा कच्चा नारियल जो होता है उसको कद्दूकस ग्रेट करके आप हलवे में, खीर में मिक्स कर सकते हैं। क्योंकि ये कहा जाता है, जैसे कोकोनट है ये भी स्किन के लिए अच्छा है, केसर है ये भी स्किन के लिए अच्छा है, तो आप ऐड कर दीजिए, वो स्किन के न्यूट्रिशन को, स्किन की जो क्वालिटी है उसे और इम्प्रूव करेगा, तो जो त्वचा है वो निखर के सामने आएगी। प्लस जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसके न्यूट्रिशन पे ध्यान रखिए और उसे हार्मफुल चीजों से बचाइए। जैसे अगर आपको लगता है बच्चा धूल मिट्टी में जाता है, उसको एलर्जी हो जाती है, रैशेज हो जाते हैं, ड्राइनेस बढ़ जाती है, तो धूल मिट्टी में निकलने से पहले बच्चे को खूब अच्छे से मॉइस्चराइजर लगा दीजिए, और अगर लंबा उसको जाना है तो उसका नोज और फेस वगैरह आप कवर करके तब भेजिए, और जब भी बच्चा लौट करके आए तो अच्छे से फेस वॉश कर ले और फिर से वापस मॉइस्चराइज कर दीजिए। तो इन चीजों का आप ध्यान रख सकते हैं। याद रखिए, हम जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, किसी चीज को एकदम चेंज नहीं कर सकते हैं। और हाँ, वेट एंड वॉच अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते, आपका बच्चा छोटा है कि जो ये चीज हो गई है यही परमानेंट है, ये चीजें बदलती रहती हैं। बच्चा जब तक 4-5 साल 6 साल का नहीं हो जाता तब तक हम कन्फर्म नहीं कह सकते क्या है। अच्छा हाँ, एक चीज होती है कि धूप से हम बच्चे को बहुत ज्यादा बचाते हैं, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि 1.5 साल तक के बच्चे को आपको धूप से नहीं बचाना है। सुबह की जो धूप होती है 7 बजे से लेकर 10 बजे तक की धूप में जरूर बच्चे को रखने की कोशिश करिए, जब गर्मियां हैं। विंटर्स में जब मौसम बाहर का खुल जाए, जब ठंडक खत्म हो जाए, तो उस धूप में बच्चे को आधा पौना घंटा जरूर लिटाइए, कम से कम हफ्ते में 2 या 3 बार। उससे बच्चे को विटामिन डी मिलेगा। विटामिन डी बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि 2 बजे की कड़क धूप में करिए,
सुबह की हल्की धूप होनी चाहिए, क्योंकि तेज धूप में कभी कभी जो साइड इफेक्ट करें ऐसी रेज भी होती है, तो हमें उसकी अच्छी वाली रेज को यूज करके विटामिन डी जो बच्चे की बॉडी में बन रहा है उसे बनने देना है, क्योंकि अक्सर बच्चे की बॉडी में विटामिन डी नहीं बन पाता है, पेरेंट्स इतने अवेयर नहीं होते, वो बाहर से भी ड्रॉप्स नहीं देते हैं और बच्चे की बोन्स कमजोर हो जाती है, तो वो दीजिए। जो सूरज की वजह से जो टैनिंग हो रही है, जो कालापन आ रहा है, वो वैसे भी चला जाएगा, वो हमेशा परमानेंट नहीं रहता है। और जब आप बड़े हो जाते हैं, देखिए बड़े होने पर मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी, गर्ल्स बॉयज सबके लिए आजकल बहुत सारे तरह के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो वो मेलानिन नाम का एक जो चीज होती है वो स्किन में, उसके साथ कुछ चेंजिंग करके कॉम्प्लेक्शन को लाइट और डार्क करते हैं, तो वो एक डिफरेंट चीज है। वो जब बड़े हो जाते हैं तब इतने हाई स्ट्रॉन्ग केमिकल्स से बॉडी इंट्रोड्यूस हो तो ठीक है, पर इतने छोटे बच्चे के लिए अभी तक कोई ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं है, साइंस में ऐसी कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है किसी ऐसे प्रोडक्ट का जो बच्चे को गोरा बना दे। और अगर आपको कोई ऐसी चीज बताता है तो प्लीज उसे बिल्कुल फॉलो मत करिए। बीइंग अ डॉक्टर हम कभी किसी को ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बताते हैं कि जो बच्चे को गोरा कर दे। घरेलू नुस्खो आपका हल्दी, चावल, तेल, वो जो बताएं आप कर सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे को कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा, अगर आपको कोई इफेक्ट दिखता है तो। बट हाँ, कोई क्रीम, कोई मॉइस्चराइजर, कोई लोशन ऐसा नहीं है जो आपके बच्चे को ऐसे अचानक से गोरा कर देगा। तो प्लीज आप अपने प्यारे से बच्चे को प्यारा ही समझिए, वो जैसे भी रंग का है वो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, बहुत ब्यूटीफुल है। और मेरे इस वीडियो को फॉलो करिए, जो मैंने बताया है वो मानिए। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरी वेबसाइट पे, मेरी वेबसाइट का नाम है icaremychild.co.in, उसकी क्वेरी पेज पे आपको पूछना है। और अगर आपको वीडियो समझ में आया है और पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और आपको अगर मेरे आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए मेरे आई केयर माई चाइल्ड चैनल को। मेरा फेसबुक पेज पे है, उस पे जाके उसे लाइक करिए और वहां पे भी वीडियोस देख सकते हैं आप। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।